अच्छा बिस्मिल्लाह। अच्छा यार बच्चे ये पोस्ट प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कितना बड़ा कांड हो रहा था कि जितनी दफ़ा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करता था ये पूरा पोस्ट बैक हो जाता था। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मैं जलील हो रहा हूँ कि भैया अच्छा ये पहले पोस्ट बैक हो, पहले ये पूरा लोड हो। इतनी जलालत कौन उठाए? तो बच्चे उसके लिए परेशान नहीं होना। इधर देखो पोस्ट प्रोडक्ट के पेज पे है, ये सेंटर का टैग था, पूरा टेबल मेरा डिज़ाइन हुआ हुआ था। आपके पास यहाँ पे आ रही है एजेक्स। एजेक्स के अंदर यहाँ पे अगर आपने एजेक्स अप्लाई करनी है तो पेज के ऊपर स्क्रिप्ट मैनेजर एक जरूर लगाना। स्क्रिप्ट मैनेजर लगा लिया, एजेक्स स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, आपको पहले कई दफ़ा पता है। एक अदर स्क्रिप्ट मैनेजर लगा लिया। एजेक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है या वो है वो अपडेट पैनल। अपडेट पैनल ये काम करता है कि पूरा पेज आपका पोस्ट बैक किए बगैर पेज के ऊपर सर्टेन पोर्शन को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। एक अदर स्क्रिप्ट मैनेजर लगा लिया और अपडेट पैनल के अंदर क्या कौन सी टेम्पलेट लगाई, कॉन्टेंट टेम्पलेट, और पूरा का पूरा फॉर्म आपने किसके अंदर लिख दिया, यानी कि जितना पोर्शन सेंटर वो जो टेबल था मेरा टीरो टीडी वो मैंने किस में डाल दिया, अपडेट पैनल के अंदर। लो जी एजेक्स अप्लाई हो गई। राइट क्लिक किया, कहा जी व्यू इन ब्राउजर। अब देखते हैं कि इसकी सेहत पे क्या असर पड़ता है, क्या फर्क होगा। देखो तो सही ना, एजेक्स का जो मेन फंक्शन वही है। और मेरी बात तो सुनो, इधर देखो अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स किया तो ये देखो नीचे पेज अपनी जगह से हिला भी नहीं और नीचे ये अपडेट भी हो जाएगा। हो गया, अब ठीक हो जाएगा। मोबाइल करता हूँ नोकिया सैमसंग, मैं करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स तो एल जी हायर, मैं यहाँ से कहता हूँ गारमेंट्स तो लिवाइस डिजाइनर्स। पहली तो वो डीबी से कनेक्शन ओपन करते हुए ना टाइम लगता है, वो नो इशू, ये हो जाता है, ये ऐसा होता है लोकल होस्ट पे ऐसा होगा। आप देखो मोबाइल करता हूँ बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, मैं कहता हूँ गारमेंट्स तो गारमेंट्स आ रहे हैं। डीबी से अपडेट कर रहा है लेकिन अपनी जगह से नहीं हिल रहा। ये था अब एक और चीज़, अब एजेक्स का जो मेन यूज़ है वो ये है। मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे आके मैं प्रोडक्ट का नाम एंटर करूँ और वो मुझे यहीं पर चेक कर दे के बता दे कि ये नेम डीबी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ओके नॉट ओके, वो जो एजेक्स तुम कह रहे हो ना सिखाएं अब वो सीखो कि वो काम क्या है। अच्छा आ गया तू नोबल प्राइज यहाँ पे आए, डिजाइन व्यू में आए। इधर बातें नहीं, ठोक दूंगा मैं। अच्छा प्रोडक्ट के नेम के ऊपर आएगी, प्रोडक्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी विंडो पे गए। प्रॉपर्टी विंडो के ऊपर आके टेक्स्ट बॉक्स के क्लिक का इवेंट तो नहीं हो सकता, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर एक इवेंट हम यूज़ करते हैं इंडेक्स चेंज। डबल क्लिक किया, ये पीछे एक इवेंट उसने बना दिया इंडेक्स चेंज का। अब इसके ऊपर ऐसा कोड लिखना है, इसके ऊपर ऐसा कोड लिखना है कि वो आपको चेक करके बताए डीबी के साथ कि भाई ये प्रोडक्ट नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सिकंदर ज़रा सीरियस हो जाओ फिर ना कहना समझ। प्रॉपर्टी विंडो पे गए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी विंडो टेक्स्ट चेंज का इवेंट कॉल कर लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है ऑटो पोस्ट बैक, इसके ऊपर मैंने आज तक टाइम नहीं लगाया, ये किसी दिन फ्री टाइम में बताऊंगा क्या है। फिलहाल इस प्रॉपर्टी को आपने कर देना है ट्रू। ये ट्रू करने से क्या होगा कि भाई जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री करूंगा तो ये जो बैक एंड वाला इवेंट है वो चलेगा वरना नहीं चलेगा। अगर ये ऑटो पोस्ट बैक ट्रू नहीं करता तो ये वाला इवेंट मेरा कभी फायर नहीं होगा। ये काम बात याद रखनी है। अब एक और लेबल यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ जिसके अंदर मैं मैसेज वगैरह दिखाऊंगा, मैं दो तीन तरीकों से काम करूंगा तो आपने फोकस रखना है। एक अदद मैंने यहाँ पे क्या लगाया लेबल, लेबल 4, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी विंडो पे गए और प्रॉपर्टी विंडो लेबल की प्रॉपर्टीज़ ये हैं। यहाँ पे आके लेबल का टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया फिनिश, लेबल 4 है। इस बटन के क्लिक के पीछे काम करना है। एक वेरिएबल ले रहा हूँ स्ट्रिंग नेम टू सर्च इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 ही था, ये 1 है, इक्वल्स टू मैंने कहा जी। अब यहाँ पे देखो मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहता हूँ बूल बी इक्वल्स टू डेल डॉट क्लास 1 डॉट चेक नेम, डेल डॉट क्लास चेक नेम, और इसको पैरामीटर में क्या दे दिया मैंने नेम टू सर्च। ये लाइन समझ आती है? मैंने कहा डेल की क्लास में क्लास 1 है, चेक नेम का मेथड बनाया और नेम टू सर्च के अगेंस्ट मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे कि ये नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जनरेट मेथड स्टब, ये बन गया।
अच्छा यहाँ पे एक अदद आपने लगाया ट्राई ट्राई कैच, ट्राई के अंदर कोड लिखो, एक वेरिएबल ले रहा हूँ int id equals to 0, यहाँ पे मैं कहता हूँ id equals to, यहाँ पे अब लिंक की क्यूरी लिख रहा हूँ सर्चिंग वाली, from n in db from n in dbobj dot, किस टेबल से डाटा चाहिए हमें, प्रोडक्ट्स के टेबल से चाहिए, मैंने कहा ये डाटा लेके आओ वेयर n डॉट प्रोडक्ट नेम n डॉट नेम इक्वल्स इक्वल्स किसके बराबर हो जाए नेम टू सर्च के, और सिलेक्ट क्या करना है, अगर डाटा मिल जाता है तो सिलेक्ट कर लो n डॉट प्रोडक्ट आई डी डॉट टू लिस्ट नहीं डॉट सिंगल, क्योंकि ये एक कॉलम रिटर्न कर रहा है, ओके हो गया। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई, मैं कहता हूँ इफ एल्स, मैंने कहा इफ आई डी नॉट इक्वल्स टू क्या है 0, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड मिल गया, रिटर्न क्या कर दे ट्रू, एल्स का क्या मतलब है कि रिकॉर्ड नहीं मिला रिटर्न फॉल्स, एक्सेप्शन आई है तब भी रिटर्न फॉल्स, अंडरस्टैंड, ये मेथड मान गया, भूल भी आ रहा है। यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ एल्स, इफ बी का मतलब है कि डाटा मिल गया है, इफ बी अगर रिकॉर्ड मिल गया है तो मैं कहता हूँ लेबल नंबर 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू नो टॉकिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं कहता हूँ लेबल 4 डॉट 4 कलर इक्वल्स टू यूजिंग सिस्टम ना सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, ये कलर रेड कर देगा लेबल 4, वो प्रॉपर्टीज में दे लो, ये स्टैटिक नहीं, एक ही सीएसएस में रोला ही है, लेबल का कलर हमेशा एक रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से लेबल को जिस मर्जी पे चाहूँ, एक ही लेबल का टेक्स्ट, एक ही लेबल के कलर जितने मर्जी करूँ, लेबल 1 डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल्स टू फॉन्ट यूनिट होगा फॉन्ट यूनिट डॉट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ओके हो गया। ये लेबल पे अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो वही एक ही लेबल है जिसपे ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, और वही लेबल है जिसपे मैं क्या दिखाऊंगा, ओके स्माइली भी अभी आ जाती है, तुम देखो तो सही, यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट ग्रीन और फॉन्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, क्यों जी, चलो अब करके देखते हैं क्या, व्यू इन ब्राउज़र, अभी और चीज़ें करनी है, ठहरो, सही कह रहे हैं, यार इसकी वाइफ अभी खुद पढ़ रही है, उसने कहा मैसेजेस नहीं करना, अच्छा ये फॉर्म ओपन हुआ, अब जरा गौर करना मेरी बातों पे, मैंने यहाँ पे आके लिखा नोकिया 101, जैसे ही फोकस आउट किया तो अब ये मुझे हिलेगा भी नहीं, चेक करके बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट के ओके, एक्सेप्शन कोई आ रही होगी देख लेते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट नोकिया 1012, फोकस आउट किया, कहता है ओके। अब मैं डीबी में जाके कहता हूँ QE760, मेरा मोबाइल का नाम था QE760, मैंने यहाँ पे QE760 दिया, साथ ही कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट, E7601 करूँगा तो साथ ही कहते हैं ओके, सही हो गया। लेकिन मसला ये था कि जिंदगी में पहली दफ़ा देखा था कि काफ़ी देर, अगर डीबी से कनेक्शन स्लो है तो ये हो सकता है 5 मिनट रिस्पॉन्ड ना करे, तो यूज़र हो सकता है सेव का बटन दबाता रहे, जलील होता रहे, लेकिन कांड है। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है,
नहीं, अब यहाँ पे देखो मैं ये चाह रहा हूँ जितनी देर ये लोडिंग कर रहा है, चेक कर रहा है, तो वो आपको लोडर दिखाए, लोडर ऐसे नहीं आना। एजेक्स में जाओ, अपडेट पैनल मैंने यूज कराया था, यहाँ पे एक और चीज़ है अपडेट प्रोग्रेस, अपडेट प्रोग्रेस को ड्रैग किया, अपडेट प्रोग्रेस को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैं नेट अगर मुझे मिलता है, मुयस्सर है, वो ब्लूटूथ भी ऑन होगी साथ। अच्छा किससे स्पीकर कनेक्टिंग? अच्छा तुम लोग फैकल्टी यूज करते हो? ओएलएक्स पूरी हो गई है, ओएलएक्स मैंने आपको फुल फ्लेज करा दी है। मल्टी पोस्ट बताता हूँ वो देख लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। नो टॉकिंग, वो उन्होंने जान के दी होती है, पता है क्यों? क्योंकि अब आपने पोस्ट की 7 दिन बाद वहाँ पर डे वाइज पोस्ट आ रही है, आपकी पोस्ट घुस गई है 4th-5th पेज के ऊपर, फिर आप ये करो ना कि आप वो दोबारा पोस्ट करो, वो तो देनी है इनकी, तो दोबारा पोस्ट ना कर सके इसका मतलब है लोग फिर यूज़ नहीं करेंगे अगर इस तरह की चीज़ें आपने की। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लोडिंग जिप्स, बताओ कौन से यूज़ करने से ये छाड़ नहीं सकते तुम लोग, चलो देखते हैं। नो टॉकिंग, बड़ी छेती आ गए। ये वाला नो टॉकिंग। अच्छा अब इधर देखो, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये आ गया हमारे पास जेपी इमेज, कॉपी किया, विजुअल स्टूडियो के अंदर आए। क्या छोटा करने नाम पे छोटा करें, हमारी तरफ से जो मर्जी रहे। इमेजेस पे आके क्या किया, नो टॉकिंग। ये डेल एटीट्यूड का यही रोल है, ये अक्सर करता है ऐसे। अब इधर देखो, राइट क्लिक किया व्यू इन ब्राउजर। अब देखते हैं कि अब इसका क्या चक्कर है, कैसे चलता है। चेक कर यार, जो कहोगे मैं करवा दूंगा, मुझे मसला नहीं, ऑटोमेटिक करेगा। अब नई कोडिंग आ रही, नई मुश्किल आ रही, तो जरूर घुसेड़नी है चीज़ें। मैं आसान आसान आपको सिखा रहा हूँ, सीख लो।
अच्छा बच्चों को ना ये भी तकलीफ सर कोडिंग ही करनी पड़ेगी सर ऑटो चलेगा और भाई ऑटो चलेगा अच्छा बहरहाल इधर आके मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया नोकिया 101 अब वो नाच रहा है कहता है ठंड रुको कहता है ठंड रुको मैं चेक कर रहा हूँ अब जितनी देर वो आपको ठंड रखवाएगा कहता है ऑलरेडी अब लेकिन आप ओके के ऊपर चल नहीं रहा देखो आप पता है कि आपकी सारी उम्र नहीं चलेगा अब फटाफट चलना शुरू हो गया तो आप वो आ ही नहीं रहा हमारा ये चीज़ तो बच्चे इसके लिए परेशान नहीं हो ना इसके लिए आपको करनी पड़ेगी थ्रेडिंग टेक्स्ट बॉक्स वन पे गए आपने ये करना है कि ये जो टेक्स्ट चेंज का इवेंट है इसको यहाँ पर थोड़ी सी थ्रेडिंग कर लो THREAD यहाँ पे स्पेल नहीं यार स्पेलिंग TH नो टॉकिंग रिजॉल्व मैंने कहा जी यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग मैंने कहा जी थ्रेड डॉट स्लीप थ्रेड डॉट स्लीप 1500 मिली सेकेंड डेढ़ सेकेंड वो डेढ़ सेकेंड तो नाचे ना पैसे नहीं पूरे करने थ्रेड डॉट स्लीप मैंने आपको पहले दिन कहा था सी शार्प सेम है बस जावा से लेकिन कोर सेम है कोर लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो फर्क है उससे सी शार्प से जैसे यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग ऊपर जो नेम स्पेसेस हैं वो इंपोर्ट यूज होता है और फर्क भी है एक्सटेंड के लिए कीवर्ड यूज होता है एक्सटेंड यस यहां पे इनहेरिटेंस का साइन था अच्छा कहा जी नोकिया 101 कहता है ठंड रखो कर रहा हूँ ठंड रखो जाहिर सी बात है ये उतनी देर चलना है जितनी देर वो डेटाबेस से मिल नहीं जाता उसको कनेक्शन नहीं हो जाता बाद में जब फास्ट चलेगा तो ये डेढ़ मैंने इसे कहा मिनिमम तूने डेढ़ सेकंड चलना है उसके बाद डीबी से अगर ज़्यादा लगता है अब मैंने यहाँ पर 1012 किया अब कम अज़ कम डेढ़ सेकेंड के लिए नाचेगा अब कहते हो मैंने कहा जी दिस डेढ़ सेकंड के लिए नाचा कहता है ओके अब मैं यहाँ पे इसको दूँ वो QE760 नाचा सही हो गया सही अब एक और भी चीज़ है अब आप ये दिखाना चाह रहे हो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं चाह रहे आप ये चाहते हो यहाँ पे टिक का निशान बना हुआ है इमेज टिक क्रॉस तो फिर लेबल 4 हटा दूँ इसको डिलीट करके वो मार यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड के अंदर जो बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रोल है पैनल अब गौर करो यहाँ पे एक पैनल लगाया यहाँ पे दूसरा पैनल लगाया कंट्रोल एस किया डिज़ाइन व्यू में आए अब दो पैनल हैं एक में टिक का निशान एक में क्रॉस का निशान टिक बनावा जे क्रॉस बनावा जे नजर आ रहा है क्रॉस अच्छा वैसे ये क्रॉस है मानो ना मानो वो तेरा नहीं वो मेरा पैनल भी उड़ा गया उसने मेरा पैनल टू बहस करते हो मेरे साथ क्या मसला है ये कौन चाबियों के साथ खेल रहा है कौन है चलो ठीक हो गया बच्चों आप ज़रा गौर करो ये नाचे पहले अगर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये नीचे वाला निशान आ जाए क्रॉस का है नहीं तो मैंने ये दिखा दिया कहते हो तो बना के लगा लूँ मैं हाँ क्या क्रॉस बना लो पेंट में और ये देखिए कितने देर
अच्छा आप इसके व्यू, आप ये एरर दे रहे हैं, व्यू कोड में गए, आप ये लेबल फोर डॉट, अब ये लेबल फोर पे क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये काम तो अब करना ही नहीं है, अब यहाँ पे ये काम होना है। मेरा पैनल वन में टिक का निशान है ना, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसका मतलब है पैनल टू डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, पैनल वन डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, कंट्रोल सी एज इट इज़ ए कंट्रोल वी, यहाँ पे ट्रू वाले को कर दो, फॉल्स फॉल्स वाले को कर दो ट्रू, डिफॉल्ट में दोनों फॉल्स करने हैं पेज का लोड, इफ पेज डॉट इज पोस्ट बैक, अगर नहीं है यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ पेज डॉट इज पोस्ट बैक, अगर ये ना किया तो पेज खुलेगा तो दोनों ही आ रहे होंगे, ऐसा नहीं करना, जब पहली दफ़ा पेज ओपन हो तो उसमें से कोई भी विजिबल ना हो, कंट्रोल भी दोनों ही विजिबल क्या होने चाहिए, फॉल्स। लो जी एजेक्स भी होगी पैनल कि जिंदगी में रिक्वेस्ट पहली दफ़ा आई है, पहली दफ़ा जब फॉर्म ओपन होगा तो वो इफ पे पोस्ट बैक नहीं चलेगा, उसके बाद जब मैंने टेक्स्ट एंट्री करके टेक्स्ट आउट किया डी बी पे रिक्वेस्ट गई है वही पेज रहा है तो ये पोस्ट बैक है। यहाँ पे आए मैंने कहा नोकिया 101 कहता है ठंड रखो, निशान आया क्रॉस का, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट का ये है ना, इस पे इसका मतलब है कि क्रॉटिक का मतलब है कि ये जा सकता है नोकिया 101, ये जा सकता है वो नहीं जा सकता। अब मैं यहाँ पे करूँ यार सिकंदर तू क्या चाहता है, वेरी गुड कमाल कर, बटन का कलर भी बल्कि खुद ही बदल जाता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो बटन डिसेबल हो जाए, पैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बटन वन डॉट एन एबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, इसमें क्या होगा, बटन वन डॉट एन एबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, लो जी पेज के लोड में भी फॉल्स करोगे कि वो प्रेस ही ना हो जब तक इधर ओके नहीं होगा, जहाँ मैंने पे 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 नॉट पोस्ट बैक पे किया ना वहाँ पे तक। अच्छा नोकिया 101 चल रहा है कहते हैं ठंड रखो, हो जाएगी आपने प्रोग्रेस में इस प्लेयर लगा दो ऑडियो प्लेयर वो प्ले करता शुरू कर दे। अब ये देखो ये कहता है पोस्ट प्रोडक्ट, अब ये दबी नहीं रहा बटन, अब मैं नोकिया 1012 करूँगा ओके वो एनेबल हो गया। जी और चेंज कर लें इसको तो हो जाता है, हो जाता है हाँ डेफिनेटली, उस तरह तो मैं पासवर्ड भी तुम्हारा देख सकता हूँ, मुझे दिखाओ पे पासवर्ड स्टेरिक नहीं बने हुए आते, मैं तो वो भी खोल देख लेता हूँ, सिनी स्टार की पूरी वेबसाइट मैंने हैक की भी दिखा दूँ फिर, सिनी स्टार की दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सिनी स्टार वालों को बहुत अच्छे से जलील करना चाह रहा था, आज मौका मिल ही गया। अब इधर बल्कि याद नहीं ये काम गलत हो जाएगा लेकिन चलो लॉगिन डॉट एएसपीएक्स मैंने लुकमान 64 एक यूजर नेम है पासवर्ड है मैंने साइन इन किया
आपको सिंग स्टार के जितने लॉगिन बने हुए सारे यूजर ने पासवर्ड आपके पास है। जी टोटल सॉफ्टवेयर है ना, बंदा जाके चित्रोल करे ना दी। अकाउंट अकाउंट में आके यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एडिट प्रोफाइल, बाकी सारा खुद फिर लेना एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल नेवर। अच्छा बहरहाल ये किसकी प्रोफाइल खुली हुई है, मेरी मेरी तो थी नहीं, ये तो किसी की थी। बहरहाल छोड़ो, जो भी था जो भी था, ऊपर ही आ रही है कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 104 2672। मैं कहता हूँ 4273, मेरे अगले वाले बंदा जो साइन अप हुआ था उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। हसन रफीक ठहरो, टीचर बैठे बकवास करते हो। अब हसन रफीक की प्रोफाइल खुली है, लेकिन हसन रफीक का मुझे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता। हसन रफीक का यूजर नेम आ रहा है, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स डिसेबल है, पांडे में बड़े पासवर्ड नहीं ना नजर आ रहा, नजर आ देख लेते हैं इसका पासवर्ड। इसके पीओ का भी पासवर्ड पता लगेगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट में आए, यहाँ पे ये देखो इसने किया हुआ टेक्स्ट मॉड इक्वल्स टू पासवर्ड, मैंने कर दिया टेक्स्ट। लो जी इस बंदे का पासवर्ड देखो, मगल मंडू। ओके हो गया। अब अगर इसका अकाउंट एक्टिव है तो मैंने हसन हसन 6545 लिखना है, पासवर्ड मगल 123 लिखूंगा, मैं लॉगिन हो जाऊँ। उनकी मर्जी है, तुम ये देखो कि पासवर्ड क्यों दिखाया है, पासवर्ड वाला टेक्स्ट वो शो करके तो की नहीं बनती। ये सारे अकाउंट्स मेरे पास हैं और ये सारों का फोन नंबर भी मेरे पास है, इसको कॉल करके जो करना है ठीक है। सर वो अपना जिसके पहला पासवर्ड था वो अगर डाल के चाहिए कर लो। आपको मैं ये बताता हूँ, अब आपने इसका अकाउंट लॉगिन किया, जाके एडिट में जाके सारी इन्फॉर्मेशन बदल दो, सारा कुछ बदला के कर दूँ ये, फिर कर लें। नाम याद रखना मुझे, आपने टाइपिंग सही करवानी है, हसन 6545 याद रख लिया हसन का, बल्कि ये भी मैं कॉपी क्यों ना कर लूँ। इंस्पेक्ट में जाके आप इसको उसको एनेबल को डिक करो, ये क्या है, ये रीड ओनली है ना, मैं इसको कहता हूँ ये रीड ओनली ख़त्म ही कर दो यार, क्यों वैल्यू उधर कर लूँ, रीड ओनली ख़त्म किया ये एनेबल हो गया। हसन 6545 कंट्रोल सी, पासवर्ड याद रखना MUGGLE मगल 123। ये सारे हैक हो जाएंगे, सारे हैक हुए पड़े, मैं चाहूँ तो मैं इसको ठोक दूँ, किसी को भी ना बख्शूँ। बताता हूँ वो ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है। मगल साइन इन, लो जी मैं मगल वन टू लॉग इन हो गया, इसके अकाउंट में पैसे भी हैं, मैं फ्री टिकट बुक करके मूवी देख सकता हूँ। दिया होता है कि नहीं दिया होता, फेसबुक क्या है, फेसबुक ने सिर्फ इनक्रिप्ट किया होता है, आईडी आ रही होती है उसने इनक्रिप्शन की होती है, वहाँ पे पासवर्ड बड़ा लंबा सारा कुछ आ रहा होता है, परसेंटेज कॉमा फलाना क्वेश्चन मार्क फिर परसेंटेज कॉमा वो आ रहा होता है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, तुसी उन डीक्रिप्ट करना है तो पासवर्ड ताडे कोल है, कोई टेंशन नहीं। एल्गोरिथम्स होते हैं इंक्रिप्शन के, आपने एक चीज अगर अगर इतना आसान काम नहीं है, पता नहीं लॉगिन नहीं हुआ, इनवैलिड, इसका अकाउंट एक्टिव नहीं है। क्या बता दें, मैं आपको बताता हूँ, वो मसला ही कोई नहीं है, टीचर बैठा है, एडिट प्रोफाइल मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना दरअसल है हुआ ये है कि यहाँ पे यूजर एक्टिव है यूजर नहीं एक्टिव, ये सारे यूजर अब मुझे अब 4072 74 करके देख लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है, ये चलेगा star.ar। बहरहाल सारे हैं, इसमें से आप
लोगों को मैं बता देता हूँ, sinistar.com.pk इलादा लॉगिन खोल के ना उधर करते रहते हैं, होता है कि नहीं होता ऑनलाइन बुकिंग सी एस टाउनशिप, कोई सेशन नहीं है। स्टार डॉट ए आर यही था, स्टार का एस क्या था, स्टार डॉट ए आर और पासवर्ड इसका होगा TEST। मुझे पता है ना क्या होता है, जब चार डिजिट हो तो एक ही पासवर्ड होता है और वो होता है टेस्ट। बाय डिफॉल्ट ये पासवर्ड जो 1234 है। अकाउंट एक्टिव नहीं है, अभी तुम्हें निकाल के देता हूँ, एक्टिव अकाउंट होगा वो तुम्हारी किस्मत है जितने निकल आए। ये चलेगा, ये वाला चलेगा, ये इसने ना बाबा पासवर्ड नंबर रखा हुआ है। कंट्रोल सी, पासवर्ड नजर आ रहा है इसके अंदर? इसको इंस्पेक्ट किया तो है, ठीक है जी। ये जितनी इंफॉर्मेशन इसने सिक्योर सीक्रेट की है ना, ये लॉगिन होगा। अच्छा अब मुझे एक और चीज़ पता लगी है, इस बंदे का अकाउंट पहली दफ़ा लॉगिन हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा लॉगिन होता है ना कि टर्म्स एंड कंडीशन पूछते हैं, बाद में नहीं पूछते। अभी मैं इस अकाउंट को हैक करके अपने पास ले आऊँगा, इसको कुछ भी नहीं पता लगेगा, यहाँ तक कि सीनी स्टार वालों के पियो को भी नहीं पता लगेगा कि ये कोई और ले गया। एग्री, अभी देखो मैंने अभी करना क्या है, एग्री हो गया। अब मैं चाहता हूँ, अब क्योंकि ये पहली दफ़ा ओपन हुआ तो इसमें पैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर पैसे होंगे, अगर इस बंदे ने लोड कराया होगा, 5,000-10,000 अकाउंट अक्सर आ रहा होता है। मैंने कहा जी बागी, बागी की मैं मूवी देखना चाह रहा हूँ, बड़ा दिल कर रहा है, तो आप देखो उस फोन से टेंशन क्या है। लेकिन फड़े गए थे मैन कॉल, मैंने मुकर जाना है। अच्छा शो नंबर 3 देखना चाह रहा हूँ, 10:45 का यहाँ पे, बल्कि हाँ बल्कि मैंने तो ऐसा भी था कि पैसे ना भी हो तो मैं टिकट यहाँ से बुक कर लेता हूँ, वो तरीका तुम्हें नहीं बताऊँगा। बैलेंस जीरो है ना, जीरो बैलेंस में भी टिकट बुक हो जाती है, नो इशू। हाँ पैसे, पैसों के बगैर बुक हो जाती है, वहाँ पे उन्होंने रखी है मशीन्स, ये कोड आपको दे देती है, टिकट का कोड दे देती है, मशीन में जाके कोड डालो वैसे ही टिकटें प्रिंट हो जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि पैसे आए हैं कि नहीं आए। नहीं समझे बात को, वहाँ पे ना ऑनलाइन कैश काउंटर है, ऊपर शायद आ रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, टिकटिंग काउंटर है वहाँ पे ना, उन्होंने एक नई चीज़ कर दी है। अच्छा ये देखो ये आ रहा है, सेल्फ सर्विस टिकटिंग सिस्टम की सेम मशीन वहाँ पड़ी है, ये ना मेरे मोबाइल नंबर पे कोड मैसेज कर देते हैं, जैसे यहाँ टिकट बुक होती है, पैसों का तो उन्हें पता नहीं चलता, मैसेज आ जाता है, मैसेज आके मैं मशीन में कोड डालता हूँ, टिकट बाहर आ जाता है। मशीन खराब होती नहीं है, अगर हो भी जाए तो काउंटर पे जाके कहो ये कोड है मुझे टिकटें दो, वो आपको वैसे ही पकड़ा देते हैं। कोई सेकंड बैलेंस नहीं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे अभी वो क्या दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ 2500 ना भी हो तो बुक हो जाती, वो तरीका नहीं बताऊंगा। बहरहाल ठंड रखो, ठीक है। अब इसका नाम क्या आ रहा है, अदनान उस सादिक आ रहा है, ये कार्ड नंबर आ रहा है, बैलेंस जीरो आ रहा है। अब मैं जाके कहता हूँ तेरी ऐसी की तैसी, सारा कुछ इसका बदल देते हैं, ये अकाउंट मैंने अपने पास रखना है। आई वॉन्ट टू बी ऑनर ऑफ दिस अकाउंट, एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल पे जाना है, बस ठोक दो इसको। देखो मेरा स्टूडेंट था एक, तो उसने मुझे कहा कि सर ये काम ऐसे पकड़े भी गए ना तो हैकिंग में नाम बड़ा बन रहा है आपका, तो पकड़े भी गए तो कोई टेंशन नहीं, जाओ मशहूर हो जाएंगे, लेकिन रिस्क है ना। अच्छा जी
अब यहाँ पे मोहम्मद सलमान लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कहता हूँ एबीसी, नो टॉकिंग, एबीसी एबीसी, डेट ऑफ बर्थ भी मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी, शनाख्ती कार्ड नंबर, दरअसल मेन जो उन्होंने की रखी हुई शनाख्ती कार्ड नंबर है उसी बदल दो। मोबाइल नंबर मोस्ट कीमती, सबसे पहले ये बदलना है सर, सही देना ताकि मैसेज उस नंबर पे आए। अच्छा ये तो मेरा अकाउंट हुआ है ना, ना ना ना, ठहरो 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 ठहरो, ये सेशन ठहरो, नहीं मैं यहाँ से नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, ठहर जाओ, नया अकाउंट बना लेते हैं, ये नया सम कर लो उसको, नो इशू। अच्छा इसको लॉग आउट करके ना दोबारा लॉग इन करवा दो, नो ठहर, मेरा ख्याल है मैंने वो पेज ना बंद कर दिया, वो जो व्यू नहीं कर रहा था वो बंद कर दिया, ये तो लुकमान अलहदा खुला हुआ था, क्या क्या नाम था वो तो हमने कॉपी बड़ी मुश्किल से किया था, जी सर ये था, और पासवर्ड मेरा ख्याल है शायद कॉपी ही है, ओके हो गया, अकाउंट एडिट प्रोफाइल, अब देखो वो उसका सेशन, दरअसल ना सेशन वो देखो ऊपर आ रहा है, उसका यूजर नेम आ रहा है, अच्छा ये था अदनान, अदनान की जगह पे मैं नाम इसका करूँगा एबीसी, लास्ट नेम भी एबीसी, कोई नुकसान नहीं हो रहा, असल नंबर ना दे फड़ा जाएगा तू, मैसेज ना ना लो, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ, तुम असल नंबर दे देना, लेकिन मसला ये है कि अगर वो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से पकड़ी जाती है तो आपका असल फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, ईमेल शीमेल सारा कुछ बदल देना है ताकि कोई सबूत, और अपने घर का असल एड्रेस ना दे देना, जी अच्छा मैं अब ठहरो, मैं यूज़र नेम भी इसका बदलने लगाऊँ, अभी हमने ये इसे किया ना धरतन से, अब मैं इसका यूज़र नेम भी बदलने लगाऊँ, चेक करना ज़रा, मैं यूज़र नेम भी अपनी मर्ज़ी का रखूँगा, इनों को इतनी तौफीक नहीं हुई। अच्छा यूज़र नेम हम किस नाम से बनाए, मैं कहता हूँ रखें स्पीडी यूनिवर्सिटी बी सी एस है, अच्छा पारा यूज़र नेम याद रखना बी सी एस 7 एस सी ओ, पासवर्ड भी चेंज करना, पासवर्ड चेंज करने का तरीका और है वो अभी नहीं मैं बता रहा, वैसे इंस्पेक्ट में जाके कर ले तो कोई मौत नहीं हमें पड़नी, दरअसल ना पासवर्ड चेंज की ऑप्शन ऊपर खुद से आ रही है यहाँ पे, ये देखा चेंज पासवर्ड, एक दफ़ा लॉगिन हो गए तो पासवर्ड हम वैसे ही यहाँ से बदल लेंगे, लेकिन हमने यूज़र नेम फ़िलहाल बदल दिया है, ये चीज़ याद रखना कि इस बंदे का यूज़र नेम बदल चुका है, इसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाकी नहीं रही, यहाँ तक कि हमने उसका यूज़र नेम भी बदल दिया है, बी सी एस 7 एस सी ओ हो गया है, पिन कोड भी बदलो, ऐसी की तैसी पिन कोड कैसे बच सकता है, हाँ ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 00 22, ये मर्जी आपकी, सब्सक्राइब फॉर ईमेल सब्सक्राइब, मैं कहता हूँ जी सेव कस्टमर, लो बी सी एस 7 एस सी ओ सेव सक्सेसफुली, पासवर्ड भी बदलते हैं पुत्र, टीचर बैठा है ठंड रख, अकाउंट लॉग आउट, अब इसका यूजर नेम बदल चुका है बी सी एस 7 एस सी ओ, अब मैं काम की चीज़ भी बताता हूँ, बी सी एस 7 एस ई ओ ये पासवर्ड है, अब यूज़र नेम तो बदल गया, अब यूज़र नेम बी सी एस 7 एस ई ओ है, साइन इन किया, इनवैलिड, पासवर्ड कुछ और नहीं, पासवर्ड नंबर था आपने जो पेश किया वो नहीं,
दोबारा वन बाय वन एक बता एच ए जे एफ आई क्यू बी सी एस सेवन एस यू लॉग इन हो गया। अब यहाँ से मैं कहता हूँ चेंज पासवर्ड हाजरा रफी भी नहीं हाजरा रफी yes, अब नया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेव। लो जी पासवर्ड भी बदल गया तो यूजर नेम भी बदल गया। कोड का क्या था कोड कैसे बदलता नहीं समझ आई कोड कैसे गया इस बंदे का अकाउंट अब लॉगिन नहीं होना गया फॉलो हुए पैसे थे नहीं ना पैसे जीरो थे पैसे होते तो वो भी मारे हो जाते। और बहुत सारे अकाउंट आपको मिलेंगे जिसमें पैसे होंगे लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अकाउंट आपको अन्य वहाँ मिलेंगे जिसमें पैसे होंगे अन्य वहाँ आप वहाँ से टिकट बुक करो जाओ लेकिन फड़े गए तो मैं जिम्मेदार नहीं। जाओ फिल्में देखो याशियाँ करो लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना क्या नहीं लगती काटना।